मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। माय फादर वाज ए फार्मर। तो मेरा जो गांव है उसमें करीब 1800 वोट हैं, और करीब 1300, आज की डेट में करीब 1300 से ज्यादा ही क्या है कि मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन क्या है कि मैं ये देख रहा हूं कि आज तक उस परिवार में, जब मैं छोटा था सर्विस से पहले, तो सिर्फ एक उस मतलब उन लोगों में से 13 और करीब बाकी 600 वोट अपर कास्ट की हैं, मतलब मेजोरिटी पूरी जो विधानसभा सीट है वो रिजर्व सीट है। लेकिन हमारे गांव में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा था जो कभी रेलवे में लगा था, लेकिन आज तक भी उस पूरे 1300 वोट में से, जो आज मतलब 1300 बन गए हैं, वो एक कोई भी आज तक सक्सेस नहीं हो पाया। और जबकि वहां पे सारे जो है ना, इनके लीडर्स आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। तो मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है आपके, मतलब कैसे आप लोग अपनी इस मतलब जो एक कम्युनिटी बन गई है बैकवर्ड्स, इसको कैसे आप मॉरल टीचर मतलब अपग्रेड कर सकते हैं? नहीं, ये बड़ा चीज दुख होता है तो उसमें। मेरे भी दोस्त थे, मैं कहाँ पहुंच गया, और जो मेरे साथ मतलब मेरे फादर के साथ पढ़ते थे वो भी कुछ नहीं कर पाए, और जो मेरे भी दोस्त थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। नहीं, एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वोट लेना, चुनाव में खड़े होना, वोट लेना, संसद नहीं तक नहीं मैं ये जाना, बोल रहा हूँ ये कि, एक अलग और चीज है। ये, देखिए हाँ नहीं, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं हो रहा उन लोगों। रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को क्यों नहीं हो रहा? मतलब किन लोगों को नहीं हो जी रहा एग्जैक्टली? मतलब मतलब किन लोगों जो, को नहीं हो रहा? हाँ जो रिजर्वेशन के उसमें जो आ रहे हैं, जो मतलब जो उसके हकदार हैं, उनको उस गांव में क्यों नहीं मिल पाया किसी को भी? सर आपके गांव में मतलब रिजर्वेशन का फायदा कैसे मिलना चाहिए था? सरकारी नौकरियों में लोग नहीं गए, आप ये कह रहे हैं? हाँ मतलब रिजर्वेशन सरकारी नौकरी के लिए, मतलब तो आपके गांव में कितने लोगों ने पढ़ाइयां कर ली, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, पीएचडी? पढ़ने तो सभी जाते थे, ग्रेजुएट तो जो मेरे भी दो तीन दोस्त थे वो भी ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो गए तो उसके बाद उन्होंने तैयारी करी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की एग्जाम दिए उन्होंने? थे। हाँ तैयारी तो करते हैं, लेकिन फिर वही हो जाता है ना कि नहीं, कहाँ से तैयारी करते हैं? मतलब दिल्ली आए होंगे वो लोग तैयारी करने के लिए? नहीं, दिल्ली वगैरह कोई नहीं आया, दिल्ली नहीं आए तो मतलब उन्होंने दिल्ली फिर कोई क्या, नहीं नहीं तो पीसीएस और एसएससी, किस चीज की तैयारियां करी आपके गांव के बट लोग किस चीज की तरफ रुझान रखते हैं ज्यादा? रुझान तो अभी अभी तो कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री में जाता है, नहीं, कोई जो पढ़ने है, पढ़ने देखिए सर, रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए पढ़ाई करने के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब जाकर आप रिजर्वेशन का फायदा लेकर नौकरी में जा पाएंगे। नहीं तो वो उनको, उसके वो उसके उसके लिए इस चीज पे उनको कौन लेके आएगा? नहीं, इस चीज पे लाने के लिए पैसा चाहिए ना सर, किसी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब यही मेरा नेक्स्ट वो था कि रिजर्वेशन को क्या रिव्यू ना किया जाए क्या? ये जो हम जो कास्ट सिस्टम पे कर रहे हैं, इसको अगर हम टोटली इकोनॉमिक उस पे किया जाए, और जो जनगणना के हिसाब से जो जिसका जितना बैठता है उसको दिया जाए मतलब क्या दिया जाए? रिजर्वेशन। मान लो एससी ज्यादा है, उसी हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाए और मैक्सिमम रिजर्वेशन कर दिया नहीं तो और रिजर्वेशन है क्या सर, जिसकी जितनी कास्ट है उस हिसाब से रिजर्वेशन देने का प्रयास किया जा रहा है? जाए। नहीं तो पावर्टी नहीं, इरेडिकेशन के तो और भी जो कार्यक्रम हमारे देश में चल रहे हैं सर, रिजर्वेशन अब जो है वो इसके लिए थोड़ी ना, वो तो ये है कि जो समाज में जिस जो मतलब जिन लोगों को खास तौर से पीछे रखा गया है उनको आगे लेके आना है, ताकि उनकी जो रेस की लकीर हो सबकी एक समान हो सके। रिजर्वेशन का मतलब लेकिन ही आर्थिक मतलब उनकी उन्नति करने का कभी था ही नहीं। बिल्कुल, गरीबी उन्मूलन के तो 1000 से ज्यादा कार्यक्रम चलाते हैं, हाँ वो तो केंद्र चलते सरकार ही के आ अलग है, रहे राज्य सरकारों के भी अलग हैं, है। तो हाँ, तो जिसको उसमें से अगर फायदा लेना है तो उसको वहां से, वो मतलब जो गरीब है अगर उसको फायदा सरकार को सही में पहुंचाना है तो उनके पास में और भी तो जरिए हैं सामाजिक तौर पे, लेकिन जो न्याय है उसको
लाने के लिए तो हमारे पास सिर्फ आरक्षण ही एक चीज है, और उसमें भी ईडब्ल्यूएस को तो इन्होंने डाली दी है। नहीं मतलब वो टोटली जो है ना, मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिक पे ही होना चाहिए। ओके नहीं, इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप उस कास्ट से आते हो ना सर। इसको ऐसे आप समझिए, हम लोग जब भी कभी पान के खोखे में जाते थे, ठीक है, तो पान के खोखे में लिखा रहता था मिश्रा पान भंडार, तिवारी पान भंडार लिखा रहता है, हम सब देखते हैं। और हम वो पान वाले को जाके क्या बोलते हैं, पंडित जी महाराज एक पान खिला दो जी, करते हैं ना सर हम ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अगर एक ब्राह्मण पान की दुकान पे भी बैठा हुआ है तो भी वो पंडित जी महाराज ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है, सामाजिक तौर पे उसका उतना ही सम्मान है। अच्छा, अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो सर, ऐसे भी कई लोगों को हमने देखा है जो दलित हैं और बहुत ही ऊंचे पद पे पहुंच गए, जब लोग उनसे मिल के आते हैं, ठीक है, तो जाति सूचक गाली बक के बोलते हैं कि साला देखो ये आरक्षण से वहां पहुंच गया। आपने भी सुना होगा। हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन मैं कहना मैं प्लीज पूरी बात कर दीजिए। ओके। अगर कोई ऐसे समाज से आता है जिनको जिनको जानबूझ के हमने पिछड़ा करके रखा है, अंत्य जो है, ठीक है, अगर वो बड़े पदों पे भी पहुंच जाता है तो भी सामाजिक तौर पे उसका अपमान ही किया जाता है। लेकिन अगर कोई पंडित पान का दुकान भी खोल लेता है, टैक्सी भी जब अगर वो चलाता है ना, ठीक है, तो भी उसके टैक्सी में बैठने वाला, उसके पान दुकान में बैठ के जो भी आदमी जाता है वो क्या बोलता है, पंडित जी क्या हाल चाल है, ठाकुर साहब क्या कैसे हो आप ठाकुर साहब, ठीक है। वैसे लोग को बोलते हैं, देखिए गांव का जो किराना दुकान वाला गुप्ता है, मान लीजिए मारवाड़ी गुप्ता, ठीक है, उसको भी लोग क्या बोलते हैं, और सेठ जी कैसे हुआ। लेकिन गांव का एक अंत्यज है, वो बड़े से बड़ा पद पे क्यों ना पहुंच जाए, उसके लिए हमेशा जाति सूचक बातें ही उसके पीठ पीछे बोली जाती है। उसके सामने इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अभी क्या है, वो बन गया है बड़ा आदमी, नुकसान कर देगा, ठीक है। कलेक्टर को तो जाके नहीं बोल सकते ना, वो तो डंडा कर देगा कलेक्टर तो। लेकिन कलेक्टर से मिलके जब कोई ब्राह्मण बाहर आएगा तो वो क्या बोलेगा, जाति सूचक गाली देके कि देखो इसको यार क्या जमाना आ गया है। हाँ, और उसके बाद कौन सा मुहावरा सुनाते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अंत चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। सर दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या हमने ये सब चीजें नहीं देखी है, नहीं सुनी है। हाँ देखिए बिल्कुल देखिए। फिर इसका मतलब लेकिन, है कि रिजर्वेशन लेकिन, ही अकेला, एक लास्ट लाइन हाँ, में बोल दे रहा हूँ सर, फिर आप बोलिएगा। इसका मतलब है रिजर्वेशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक स्तर पे न्यायपूर्ण व्यवस्था को लागू करना होना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के पास और भी ज्यादा कार्यक्रम है, ठीक है, तो वो उन कार्यक्रमों को चला के जो मतलब कास्ट के ऊपर है गरीबी ना, तो सारे के सारे कास्ट वालों की गरीबी सरकार चाहे तो मिटा सकती है। रिजर्वेशन पे ये बोलना कि आर्थिक आधार पे दिया जाए, मैं ऐसा समझता हूँ जातिवाद को बैकडोर से एंट्री कराना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, और आपने सीधे ही पॉइंट कर रखा, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि क्या होता है घुमाकर बात करने की बजाय सीधे बोलिए कि आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, जाति के आधार पे ना हो। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। अब मैं इस बात का ये आपको जवाब देता हूँ कि आरक्षण आर्थिक आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए और जाति के आधार पर ही क्यों होना चाहिए। तो देखिए इस चीज को अच्छे समझिए कि आरक्षण उसे दिया जाता है जिसके ऊपर समाज ने किसी किस्म की निर्योग्यताएं लगा रखी हों, बंधन लगा रखी हों, समाज ने जिसकी प्रगति खाली हो उसे आगे बढ़ने से रोक दिया हो। ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले लोग जिन्हों समाज बंधन लगा देता है आगे बढ़ने से, परंपरा रीति रिवाज और तमाम सारी कुप्रथाओं के नाम पर हजारों सालों से बंधन लगा रखे और आज भी चल रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण रूपी व्यवस्था अपनाई गई। अब रही बात सवर्णों की, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों गलत है और क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तो इस चीज को अच्छे समझिए कि समाज का सवर्ण वर्ग जिसे आगे बढ़ने से कोई सामाजिक बंधन नहीं है, कोई कुरीतियां नहीं है, जिसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता,
फिर भी अगर कोई सवर्ण कोई ब्राह्मण काम नहीं करता, कमाई नहीं करता, अमीर नहीं होता, गरीब बना रहता है, तो अपने कर्मों से गरीब है, उसे समाज ने गरीब नहीं बनाया हुआ है, समाज ने उस पर बंधन नहीं लगाए हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, उसने समाज में पूरे मौके हैं उसे आगे बढ़ने के लिए, इसलिए वो आर्थिक आधार या किसी भी आधार के आरक्षण का हकदार नहीं है। आरक्षण उसे ही मिले जैसे सामाजिक कुरीतियों की वजह से आगे बढ़ने से रोका गया। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको, इसका सबसे बेहतर उदाहरण देता हूं कि भाई एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर किसी भी दुकान पे अपन आरक्षण छोड़ देते हैं, अपन साधारण नौकरी मांग लेते हैं, छोटा मोटा काम मांगने गया, किसी किराने की दुकान पे एक ब्राह्मण काम मांगने गया, तो उसे इस आधार पे किराने की दुकान पे काम रखने से नहीं रोका जाएगा कि वो नीच जात का है, नहीं रोका जाएगा। ब्राह्मण की औरत अगर कहीं रोटी पानी बनाने किसी के घर में जाएगी तो कोई भेदभाव करके ये नहीं कहेगा कि यार तू भंगी है, तू चमार है, तेरे घर तुझे हम नहीं नौकरी देंगे यहाँ पे, ये नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भंगी है वो अपने घर में दुकान भी खोल ले तो कोई उसके यहाँ से सामान नहीं खरीदेगा। ठीक, उसके घर की औरत कहीं झाड़ू पोछा करने जाएगी तो उसे कोई काम नहीं देगा क्योंकि छुआछूत चलती है। वो स्वयं भंगी अगर अपना व्यवसाय छोड़कर कहीं दुकान किराने की दुकान पर काम मांगने जाएगा तो कोई उसे नौकरी पे नहीं रखेगा क्योंकि वह छूत प्रथा पालते हैं और इन्हें फेंक कर सामान देते हैं। समाज इसी तरह का है आपका, और इन लोगों को हम क्या करोगे, अछूत माना करते हो। इस वजह से आरक्षण का हकदार वही है जिसके साथ समाज ने बंधन लगाए, जिसकी प्रगति खा गया, जिसे आगे बढ़ने से रोक दिया। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग, इन्हें ही आरक्षण मिलना चाहिए और जाति के आधार पर ही मिलना चाहिए क्योंकि समाज जाति के आधार पर निर्योग्यताएं लगा के लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण कोई बात नहीं होती, ना दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज सवर्ण वर्गों को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण ले रहे हैं कोई बंधन नहीं लगाता, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। फिर भी अगर गरीब हो, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे तो तुम्हारे कर्म खराब है, समाज ने नहीं रोका, तो उसे आप खुद सुधारो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि समाज ने कोई बंधन नहीं लगाया। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण 100% गलत है, जातिगत आधार पर आरक्षण 100% सही है। जी, अब आप अपना पॉइंट रखिए। नहीं मैं, हाँ आप ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे गांव में जो भी इसका फायदा नहीं उठा पाए वो सिर्फ इसीलिए नहीं उठा पाए क्योंकि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल वो थे, कमजोर थे। नहीं, वो आर्थिक रूप से कमजोर सर व्यवस्था की वजह से है ना, इस देश की एक सच्चाई है कि जो जाति के आधार पे निम्न है वही आर्थिक आधार पे भी गरीब है। नहीं तो जो है उस आर्थिक स्थिति को आप कैसे सुधारेंगे उनका? आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देखिए, आरक्षण आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बाद में है, आरक्षण सामाजिक और व्यवस्था सुधारने के लिए पहले है। जिन पर बंधन लगे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी देता है आरक्षण, कि आप इसे पकड़ लो और आगे आ जाओ, ऊपर उठ जाओ, सशक्तिकरण हो जाए। ठीक, आरक्षण इसलिए है। आप ये सोच रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही आरक्षण के ना दे दिया तो मतलब अब सब सबको आरक्षण ही करेगा, नहीं, खुद भी करना पड़ेगा। और रही बात संसाधनों की, तो संसाधनों पर सवर्ण वर्ग का अधिकार है, निम्न जाति के लोगों का संसाधनों पर अधिकार ही नहीं है, तो वो गरीब ही रहेंगे। जब किसी गरीब आदमी के पास कोचिंग क्लासों में पढ़ने का पैसा ही नहीं होगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करके आरक्षण कोटे की भी सीट वो कैसे ले लेगा, मुझे बताइए ना। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है ना। नहीं तो आर्थिक आधार नहीं बनता ना सर इसका, आरक्षण का आर्थिक आधार नहीं बनता, ये आरक्षण का तो अभी भी जातिगत आधार ही बनता है कि जातिगत रूप से जो लोग पिछड़े हैं उन्हें ही आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि समाज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक के रखा हुआ है। रही बात उन पे पैसे नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फाइट करने के लिए, तो इसके लिए तो सरकार को वजीफा, सुविधाएं, फ्री कोचिंग क्लासेस ये सब चलानी चाहिए। सरकार यहाँ पे कमजोरी कर देती है, क्यों कमजोर वर्गों के लिए फ्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासें कम चलती हैं, चलती तो हैं, कम चलती हैं। बड़े पैमाने पे क्यों आयोजित नहीं की जाती, ताकि गरीब निम्न जाति के लोगों के बच्चे जो गरीब हैं वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करें और आरक्षण का लाभ ले लें, ऐसा क्यों है बताएं मुझे। भाई जैनों की बच्चों के लिए अलग फ्री कोचिंग क्लास जैन समाज चलाता है, ब्राह्मणों के बच्चों के लिए समाज की तरफ से अलग कोचिंग क्लास चलती है, ठाकुरों के लिए चलती है, बनियों के लिए चलती है। निम्न जातियों के लिए जिन पे संसाधन अभाव है, गरीब है, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था ना तो उनके समाज की तरफ से होती है ना सरकार की तरफ से होती है, होती भी है खाना पूर्ति होती है, ये तो दोष हो गया ना आपकी, सरकारी व्यवस्था का दोष है, इसमें आरक्षण का दोष थोड़ी है। जी सर बोलिए। फिर तो ये है कि मतलब जो मेरे गांव के लोग हैं उनकी स्थिति तो शायद नहीं सुधरेगी कभी भी। बिल्कुल सुधरेगी अगर उनके नेता सत्ता में जाएंगे और अच्छे नेताओं को वो चुनेंगे। नेता नहीं, आप नेताओं से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप नहीं समझे, आप समझे ही नहीं पूरी बात को। ठीक है, नेता का संख्या बल होना, अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं का संसद में कितना संख्या बल है उससे तय होगा कि उनकी बातों पर बहस होगी या नहीं होगी, उनके मुद्दे लाइमलाइट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। संसद अभी हिंदू मुस्लिम पे बहस करती है, संसद अभी मंदिरों पे बहस करती है, मस्जिदों पे बहस करती है, अरे संसद कभी जातिवाद पे बहस क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि संसद में जातिवाद या निम्न जाति के सांसदों का बहुमत अभी नहीं है,
जिस दिन वो बहुमत में आएंगे, उनकी सरकारें बहुमत में आएंगी, उनकी पार्टियां बहुमत में आएंगी, उस दिन जातिवाद पर बहस होगी, और उस दिन ये भी बहस होगी कि भाई ये निम्न जाति के लोग सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं जा पाते, आरक्षण है उसके बावजूद भी क्यों नहीं जा पाते, तब बहस होगी और तब इसके निदान निकलेंगे कि वो कैसे सुधार हो, ये होगा, ये होना चाहिए। जी बताइए। नहीं फिर तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता। नहीं वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए एक सवर्ण के दृष्टिकोणों से कभी भी सुधार नहीं हो सकते, क्योंकि आप चाहते हो। नहीं मैं नहीं, मैं चिंतित हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं तो बिना रिजर्वेशन के चला गया था, मेरे परिवार में किसी ने रिजर्वेशन, सब प्राइवेट में ही है। अरे बिल्कुल आप कुछ नहीं किया, आप बहुत 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 शानदार व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, मान लिया मैंने, लेकिन आपको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं यही बोल रहा हूँ ना, मैं जिस सर्विस में गया उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था, किसी का रिजर्वेशन नहीं था। अरे धरती पुत्र जी आप सवर्ण हैं या निम्न वर्ण के? अच्छा ब्राह्मण हो तो, अच्छा एक बात बताओ, फिर आपकी प्रगति किसने रोकी हुई थी, मतलब किसने रोका था आपको आगे बढ़ने से, बताओ समाज में किसी ने आपसे मना किया, आपके घर परिवार के लोगों ने? सर जी मैं एक चीज बताता हूँ, वो मेरी भी स्थिति मेरे सामने ही ऐसी थी कि मेरी दादी भी किसी के यहाँ जाके रोटी बनाया करती थी। अरे बिल्कुल बनाती थी, कोई रोटी बनाने का काम देता था ना आपकी दादी को, भंगी की औरत को कौन काम देता है रोटी बनाने का, बताओ ना मुझे। हाँ ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं भी उसी उससे गुजरा हूँ। यही पॉइंट है जो आप सवर्ण होकर समझ नहीं पा रहे ना सर। नहीं नहीं सर, मैं समझ नहीं, मैं वो अभी जो पान के खोखे वाली बात थी मैं वो समझ गया बिल्कुल। वो नहीं समझनी है आपको, ये समझना है कि भंगी की औरत को कोई नहीं, मैं वो हाँ मैं वो बात समझ गया आपकी, लेकिन क्या था कि उस चलो वो छोड़िए, तो बहुत वो बड़ी वो हो जाएगी, मैं उस छोटी सी बात यहाँ पे कहूंगा। नहीं वो नहीं, वो फिर वो उसी बात पे आ जाएगी ना, पान के खोके वाली। मैं मानता हूँ उस चीज को, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन मैं चिंतित हूँ कि जो मेरे गाँव में जो मेरे लोग हैं उनका फायदा कैसे हो। नहीं कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ सर। जी जी सर, एक और भी तरीका बता देता हूँ। धरती पुत्र जी आपने देश की सेवा एक बार करी है, ठीक है, देश प्रेम आपके अंदर में है, ठीक है, आपके जो जैसे लोग है ना, मेरा भी आप सरनेम देख लीजिए, हम दोनों को शोषित वंचितों के लिए आवाज उठानी है, तब हम समस्या को दूर करेंगे सर। और आपने एक बार देश की सेवा करी है, मैं आपको याद दिला रहा हूं ना फिर से, संविधान की एक बार आपने ली है शपथ जी, और आप अच्छे इंसान भी लग रहे हो मेरे को। नहीं मैं तो देखो, मैं तो भगवान की मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन किसको, मेरे लिए भगवान मेरी माँ, मेरी हाँ मेरी माँ और मेरे बाप हैं, और दूसरी ये धरती माता है, क्योंकि मेरा जो मेरा रिलीजन है, मेरा रिलीजन अब फोर्ज हो गया। ये कह रहा हूँ सर, हाँ बस मैं ये यही चीज मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप और मैं चलो जिस वर्ग से आते हैं ना, ठीक है, आप हमारे भाइयों आओ आप हमारे साथ इस लड़ाई में, चलिए हम कुछ नया करते हैं सर, चलिए नया करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए नए जो लड़के हैं, ठीक है, नौजवान जो नए निकल के आ रहे हैं, वो अंबेडकरवादी बातें करके शोषित वंचितों के साथ खड़े होते हैं, चलिए सर ऐसा करते हैं हम। हाँ नहीं मैं तो खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, मैंने तो हमारे साथ जुड़ी है, हाँ मैंने तो 19 साल ऐसी सर्विस में गुजारे हैं कि जहाँ पे इस चीज की कोई मायने नहीं रखता है। एग्जैक्टली बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ इस चीज को, कि चलिए ऐसा करते हैं ना हम दोनों। हाँ बिल्कुल, मैं तो करता भी हूँ, आइए आप हमारे, जितना जितना मेरे से बन पाता है मैं करता हूँ। हाँ मैं उसमें फिर ये नहीं, मैं उसमें ये नहीं देखता हूँ कि हाँ भाई मुझे एससी का ही करना है या एसटी का ही करना है या उसका, मतलब फर्स्ट देश में नहीं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट, हाँ फर्स्ट, क्योंकि मैं किसी को भीख नहीं देता कभी भी, कि मुझे अगर कोई रस्ते में भूख मांगता हुआ दिख जाता मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उस पे, चाहे वो सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, चाहे किसी का, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ चलिए शोषित वंचित के साथ खड़े हो जाते हैं ना। हाँ क्या ना, शोषित वंचित ही एक रिलीजन है अलग, ये क्या ना, इसमें आप ये नहीं मान सकते कि ये ब्राह्मण का शोषित है कि ये एससी का शोषित है, शोषित ही एक रिलीजन बन चुका है अलग।
नहीं सर, इस देश में धर्म के नाम पे तो जो अंत्य है वही शोषित और वंचित है। हाँ, नहीं नहीं अभी वो भी निकाल के दिखा सकता हूँ सर। अभी तिवारी जी, मैं तो पूरा भारत घूम चुका हूँ, मैं करीब 5 देश भी घूम चुका हूँ। तो ये जो हमारे जो ये जो स्थिति है ना, मतलब साउथ में और हमारे इधर नॉर्थ साइड में, जो हमारा इस मतलब ये यूपी साइड वाला जो एरिया है, इसमें 180 डिग्री का अंतर है सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर। जो स्थिति यहाँ पे है वो साउथ में नहीं मिलेगी। आप वो छोड़िए ना सर उनका, आप तो हमें हाँ नहीं वो तो है कर। हाँ तो चलिए अंबेडकर बात की बात करते हैं ना, चलिए हम ये करते हैं। हाँ बिल्कुल देखकर मैं भी एक चीज पूछ रहा हूँ, आपने इतना गंभीर अध्ययन किया, अपने गांव के बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही, आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे। अब सरकारी नौकरियां तो मात्र 2-2.5 करोड़ होंगी, ये भी सही बात है भाई, वो ज्यादा लोग आरक्षण का भाई 80-90 करोड़ आज के डेट में निम्न जाति के लोग हैं, SC ST OBC हैं। अब ये बताओ कि सरकारी नौकरियों में तो सब जा भी नहीं पाएंगे, प्राइवेट में जा सकते। इससे भी बेहतर बताता हूँ मैं विकल्प, गांव में जितने भी मंदिर है ना, वहाँ ब्राह्मणों को हटा के निम्न जाति के लोगों को बिठाना शुरू कर दीजिए। अरे सर मंदिर कहाँ है सर, मंदिर है कहाँ गांव में? जितनी सरकारी नौकरियां उससे ज्यादा मंदिर है इस देश में सर। सर अभी चलता कौन सा है सर, चलता कौन सा? ताले लगे पड़े हैं सर, ताले लगे पड़े हैं। ब्राह्मण पास के 3-4 गांव है कि उसमें कोई आदमी मिल जाता हूं। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली में गांव ही गांव देखता हूं यार, क्या बता रहे हो पंडित जी। ठीक है ब्राह्मण सर मैं बता रहा हूं, नहीं नहीं ब्राह्मणों ने हवेलियां तान ली है पंडिताई कर करके, लोगों को उल्लू बना बना के कथाएं करा करके। मंदिर तो छोड़ो बात, आप कहाँ पे लगे हो यार, मतलब वो भंगी आज झाड़ू साफ करना है ठीक है ब्राह्मण सर, इनको एक सर मैं पुलिस बता रहा हूँ, नहीं वो डाटा होगा, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। ब्राह्मण को मंदिर में मैं तो ये देखा है कि हमारे गांव में भी। अरे सर पे बात क्यों नहीं करते ये बताओ। धरती पुत्र जी एक मिनट, इन्होंने कहा कि भाई साउथ में स्थिति हमारे यहाँ से ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब है कि जरूर जातिवाद, यही कह रहे हैं भाई कि जातिवाद जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। ठीक है, और मॉरल टीचर सर ने एक बात सही बोली है कि जातिवाद और गरीबी इस देश में जुड़ी हुई है। कैसे? ये देखिए भाई, ये 2021 का ही एक सर्वे है ना, ये सर्वे कह रहे हैं कि कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, ये तीनों साउथ के राज्य है ना, वहां पे ब्राह्मण जो है दरअसल वो सारे इंडिकेटर्स में आगे है। ठीक है, और ये सर्वे ही वहां पे हुआ था, इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्थ में कोई पीछे है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, ये देखिए, ईयर ऑफ एजुकेशन ब्राह्मण के पास ज्यादा है। ठीक है, सबसे कम आप देखिए SC ST के पास, तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी वहां पर ब्राह्मण है। ये आरक्षण के बाद की स्थिति है ना। हाँ, ये देखिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे अपर कास्ट हिंदूज हैं, नॉन ब्राह्मिन्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा ब्राह्मिन्स का है, दक्षिण के 3 राज्य ना, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ये वहां का है। सबसे कम स्थिति है देखिए SC ST की, देखते जाइए ना, ये वही स्थिति जो सेकंड नंबर पे है वो नॉन ब्राह्मिन्स की है, सवर्ण की। ठीक है, तो अभी भी आपके सारे जो इंडिकेटर्स है ना वो दरअसल यही दिखा रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उसके पास में एजुकेशन भी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो परीक्षाओं में ज्यादा बैठ के पास भी हो जाता है, और दूसरी बात है उसके पास पैसा भी अभी भी ज्यादा ही है, तो संसाधनों पे कब्जा भी उसी ने किया है। संसाधन पे कब्जे का सबसे इजीएस्ट तरीका ब्राह्मणों के पास क्या है? मंदिर। मॉरल टीचर सर सही बात बोल रहे हैं, मंदिर पे कई लोगों की कोठियां बनते तो मैं खुद देखा हूं। हाँ, जगह जगह घूम के ब्राह्मणों ने सत्यनारायण कथा का इजाद किया है ना, इन्वेंशन है। मॉरल टीचर सर मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अरे सर बिल्कुल, पैसा कमाने के लिए सत्यनारायण की कथा इजाद कर दी है, आज तक किसी को पता ही नहीं साला वो सत्यनारायण की कथा कौन सी है। वो कथा नहीं बताते, वो कथा के बारे में बताते हैं। ठीक है,
ये तो चलो ठीक है, अगर मैं ये डेटा को निकालना चालू करूं ना कि सरकारी नौकरियों पे कितने ब्राह्मण, वो वहां भी आपको ज्यादा ही दिखाई देंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का निकालूंगा, वहां भी आपको ज्यादा दिखाई देंगे। हाँ, तो मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा सिंपैथेटिक होना चाहिए धरती पुत्र जी, और नहीं, मैं मैं फिर तो से आपको सिंपैथेटिक यही हूँ जी, बोलूंगा, बिल्कुल। हाँ, मंदिर मैं के यही बारे में मैं यही बोलूंगा बोलता हूँ। सर, मैंने आप मैं मैंने आपको बचपन से आज तक अपने मंदिर में एक पुजारी नहीं देखा आज तक। चलिए ठीक है, मैं फिर से आपको यही बोलूंगा, उनको दोष देना छोड़ के उनके साथ खड़े होके एक बार देखते हैं ना, हाँ नहीं, मैं तो खड़ा रहता हूँ सर। अब मैं कोई यहाँ आपको पे यही बड़ाई नहीं बोलूंगा। मारूंगा अपनी, कैसे खड़ा रहता हूँ। मैं तो खड़ा रहता हूँ, इसलिए मुझे चिंता थी, इसलिए मुझे मैंने भी आप लोगों से नहीं, इसमें पूछा। बढ़ाई होनी भी नहीं चाहिए ना सर, एक मिनट, ये एक मिनट सर, एक मिनट, कोई भी मेरा ब्राह्मण दोस्त ये सोच के यहां पे ना आए कि आप दलित शोषित वंचित के साथ खड़े हो रहे हैं तो वो कोई आप बहुत बड़ा तोप चला रहे, नहीं, ये हाँ सिर्फ बिल्कुल सर, इंसानियत का काम हाँ है सर। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि इंसानियत ही बाकी के इंसान और भी जो सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं, प्लीज जी बाकी के जी जो और भी सुन रहे हैं, मैं एकदम अभी से वार्न कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ ना, अगर तुम्हारे अंदर इंसान है तो ही आना, चौधराहट करने मत आना यार, नहीं तो ठोकूंगा, ठीक है। और मैं समझ जाता हूं ऐसे चुटकी बजाते में, ये सोच के मत आना कि हम यहां पे कोई दलितों के ऊपर एहसान कर देंगे, अगर तुम सही में सही मायनों में इंसान हो, जातिवाद से ऊपर उठना चाहते हो, ठीक है, अपने आप को एक्स ब्राह्मण मानते हो, तभी आना, चौधराहट करने आओगे ना तो यहां से ठोका के ही जाओगे जी। आजाद आगे चलते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए। और यार भाई रिजर्वेशन में देखो इतनी आजाद, बार ऐसा है बात ना, कर चुके हैं फिर भी ब्राह्मण ही लोग बताता समझ है कि नहीं पाते। तुम्हारी ये जाति है, ठीक है, ब्राह्मण ही जाति में बांटता है पहले, फिर ब्राह्मण आता है एक दिन और बोलता है कि भाई ये जो तुमको रिजर्वेशन मिल गया, ऐसे होने नहीं, ऐसे से ऐसा कर दो इसको, तब तुम लोग का ना स्थिति ठीक हो जाएगा। भाई ब्राह्मणों को मैं एक बात बोलूं, मत आओ भाई, अंबेडकरवादी मत बनो, चलो अगर ज्यादा ही शौक चल रहा है ना, मत बनो। ब्राह्मणों मेरे प्यारे प्यारे मेरे ब्राह्मण समाज के भाइयों सुनो, मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ, तुम अपनी चौधराहट बंद कर दो, बाकी वो अपना कर लेंगे, यही कर दो बस, चौधरी बनने बोल दो भाई, हर चीज में घुस के भाई ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, भाई यही करेंगे बस बैठ के।